हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम मेड्रो कंप्यूटर्स। आइए, अब तक हमने फोर लूप को स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के साथ देखा, यानी जिसमें कि हम जो चाहते थे उसकी टेबल प्रिंट नहीं करा सकते थे, केवल फिक्स वैल्यू की ही टेबल हम प्रिंट करा सकते थे। अब हम फोर लूप को देखते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ, यानी कि जिसमें हम कोई भी वैल्यू डालेंगे और प्रोग्राम जो है कंप्यूटर कंपाइलर हमारे सामने जो भी वैल्यू हम देंगे उसकी पूरी टेबल प्रिंट करेगा जहां तक हम चाहेंगे। तो हम देखते हैं उसके लिए हमारे पुराने प्रोग्राम में हमें क्या चेंज करना पड़ा। थोड़ा सा चेंज होगा और हम पूरे प्रोग्राम में जो है रिजल्ट को एक तरह से चेंज कर देंगे। हालांकि रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन वैल्यू अब जो है यूजर द्वारा पूछी जाएगी, तो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसका टेबल प्रिंट होगा। तो आइए चलते हैं हम हमारे ऐप की तरफ और देखते हैं कि हम हमारे पुराने प्रोग्राम में क्या चेंज करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं और नई टेबल कोई सी भी प्रिंट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम हमारे पुराने प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे जिससे हमारा जो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन वाली टेबल ये बन जाएगी। देखते हैं। देखिए, वही पांच पंक्तियां हम पुनः याद कर लें जिन्हें हर प्रोग्राम में लिखना होता है ताकि हमें प्रोग्राम लिखना अच्छे से आ जाए। हैश इंक्लूड stdio.h, और यदि आप C++ में काम कर रहे हैं तो हैश इंक्लूड conio.h भी आपको लगानी है, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको लगानी चाहिए क्योंकि अब C++ में ही काम किया जाता है। नेक्स्ट मेन लिखेंगे हम और छोटा ब्रैकेट उसके बाद लगाएंगे हम। ये फंक्शन की पहचान होता है, जिसके भी बाद खाली ब्रैकेट हो या ब्रैकेट में भी कुछ हो तो इसका मतलब ये फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, बने बनाए फंक्शन, और कुछ जो हम बनाते हैं वो फंक्शन। इसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रास ओपनिंग वाला, और देखिए हमने int a, b दो वेरिएबल ले रखे हैं, और इसके बाद हमने फोर लूप लगाया, और b कर्ली ब्रास लगाने के बाद हमने b बराबर a(2) किया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि a की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, उसके बाद हर बार जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है साथ में वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक बार फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू 1 है तो फिर 1 × 2 हो गया, सेकंड टाइम में ए की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 हो गया तो हमारी 4 आ गई। इस तरह से 2 की टेबल प्रिंट हो रही है। हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए, हम जो चाहें वो वैल्यू जो है उसकी टेबल जो है हमारे सामने प्रिंट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि वैल्यू पूछने के लिए, यानी कि जिससे कि हमें रन टाइम पे हमसे कंपाइलर वैल्यू पूछे और हम वैल्यू डालें, उसके लिए हम scanf का प्रयोग करते हैं। हमने इससे पहले हर प्रोग्राम को लगभग scanf के साथ भी करने किया है ताकि हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन समझ सकें। तो यहाँ पे भी हमें scanf का प्रयोग करना होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में क्योंकि हमें डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कराना है। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल और बढ़ाना पड़ेगा और साथ में हमें scanf लगाना होगा। कहाँ पर? फोर लूप के पहले, यानी int a, b और एक और c वेरिएबल ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने जो b बराबर a(2) लिख रखा है इसकी जगह हम एक चेंज कर देंगे, c बराबर b(a) हम कर देंगे, यानी a(b) भी कर सकते हैं हम, c बराबर a(b), क्योंकि a की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती चली जाएगी और यहाँ पे b मीन्स हम जो वैल्यू डालेंगे वो होगी। जैसे हमने 4 डाली तो 1 × 4, 2 × 4, जो भी हम वैल्यू डालेंगे 4, 5, 6 वो यहाँ पे a के साथ into होती चली जाएगी। और हमें इसका मतलब जब हम c बराबर a(b) ले रहे हैं तो हमें प्रिंट भी c कराना होगा। केवल ये कुछ चेंज हमें करने हैं, इतने से परिवर्तन, और ये हमारा प्रोग्राम जो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ हो जाएगा। तो देखते हैं हम इस प्रोग्राम को डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ करके हम आगे बढ़ते हैं।
हमने इस प्रोग्राम में वो सभी चेंज कर दिए हैं। देखिए हमने इंट ए कॉमा बी कॉमा सी तीन वेरिएबल ले लिए और स्कैनएफ लगा दिया, क्योंकि पहले पूछे इसलिए हमें स्कैनएफ पहले लगाना होगा। और क्या पूछना है, हमने कहा ए की वैल्यू तो हम फोर लूप में रख रहे हैं, ए जो है हमारा काउंटर का काम कर लेगा, यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ए जो है इंक्रीमेंट करता रहेगा। और बी में हम चाहते हैं कि वैल्यू पूछे कंप्यूटर हमसे और हम बी में वैल्यू डालें, और सी में हम ऐसा करते हैं ए इंटू बी कर देते हैं। तो हमने देखो यही चेंज किया, स्कैनएफ लगा दिया है हमने, किस तरह से लगाया है ये अब आप अच्छे से जान चुके हैं। स्कैनएफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमने कंट्रोल स्ट्रिंग लगाई है, क्योंकि हमने इंट में वेरिएबल लिए हैं इसलिए परसेंट डी हमें कंट्रोल स्ट्रिंग लगानी होती है। कॉमा लगाया है, स्कैनएफ के साथ हमेशा जो है एम्परसेंट साइन के साथ वेरिएबल को लिखना होता है हमें, तो हमने एम्परसेंट साइन और बी यानी जो वैल्यू हमें पूछवानी है वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। और इसके बाद हमने लिखा है फोर ए बराबर वन, यानी सबसे पहले ए की वैल्यू वन हो, फिर ए की वैल्यू जब तक कि दस नहीं हो जाए। इस तरीके से आप सौ भी कर सकते हैं, हज़ार भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी क्योंकि एक टेबल टेन तक ही प्रिंट करनी है तो हमने टेन लिखा है। उसके बाद हमने कहा कि ए प्लस प्लस हो जाए, यानी ए की वैल्यू वन हो, फिर वो चेक करे कि दस से अधिक तो नहीं है और या दस से कम ही है, अधिक तो नहीं है, तो फिर पहले नीचे का काम करे और फिर ए की वैल्यू प्लस वन कर दे, जब तक दस नहीं पहुँचे, दस से अधिक होते ही रुक जाए, बंद करे, काम नहीं करे। तो यही काम इसने किया, कर्ली ब्रेस फिर हमने लगाया और इसने ये काम किया सी इंटू बी इंटू ए, यानी बी हमने जो भी वैल्यू हम डालेंगे, हम मान लीजिए हमने फाइव डाला तो फाइव इंटू वन हो जाएगा, फिर ये प्रिंट एफ वाला जो स्टेटमेंट है हमारे उसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद वापस हमारा कर्ली ब्रास जो बोल रहा है इस जगह पे, तो ये लूप चल रहा है इसलिए लूप का कर्ली ब्रास है, तो इसका काम ये है कि ये वापस गोल घूम के फोर वाली लाइन पे चला जाए, और फोर वाली लाइन पे अगली बार इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, चूँकि ए ने काउंटिंग करके और उसकी वैल्यू मेमोरी में अब दो कर ली है, ए प्लस प्लस कर ली है ऑटोमेटिकली प्रिंट होने के बाद, उसकी मेमोरी में अब जो ए की वैल्यू है वो दो हो चुकी है। और दो होते ही अब की बार सी बराबर बी इंटू ए होगा, तो हमारा जो भी टेबल है वो उसमें जो है दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे फोर है तो फोर इंटू टू हो जाएगा। इस तरीके से जब तक टेन टाइम्स ये टेबल नहीं हो जाती है तब तक ये काम इसी तरह करता रहेगा। प्रिंट एफ में आपने देखा हमने स्लैश एन का यूज़ किया है, स्लैश एन एंटर का काम करता है, हमें जब रिजल्ट नई लाइन में यानी नेक्स्ट पंक्ति में प्रेजेंट करना हो, डिस्प्ले कराना हो, तो फिर हमें स्लैश एन का प्रयोग करना चाहिए इस तरीके से, इसको न्यू लाइन करेक्टर भी हम बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है, हम इसको रन करा के भी देख सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट कर्ली ब्रेस हमारा लग गया है और अब हम इसको रन करा के देखते हैं। आप देखिए हमारा सामने आ रहा है, हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए मैंने फोर डाल दी है और फिर हमें एंटर करना है, ये हमने एंटर कर दिया है, तो देखिए हमारा जो है रिजल्ट प्रदर्शित हो रहा है। एक सेकेंड मैं दोबारा दिखाती हूँ इसको, थ्री डाल देते हैं हम और तो देखिए ये हमारे सामने रिजल्ट प्रिंट हो गया है। शायद थोड़ी सी हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई इसलिए फोर टू टाइम आ रहा है हमारा, वैसे ये नहीं आएगा अगर हम प्रोग्राम में जाके देखेंगे तो। तो ये हमने देखा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो हम थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम में कुछ पंक्तियाँ ऐसी लिख देते हैं जिससे हमें जो है प्रोग्राम याद रहे कि ये हमारा प्रोग्राम जो है कौन सी पंक्ति क्या काम कर रही है, उस पंक्ति को हम क्या कहते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं। आइए हम बढ़ते हैं, देखिए मैंने चूंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है
डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का है, फोर लूप को हमने इसमें यूज़ किया है। और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, वैल्यू जो है यूज़र द्वारा इनपुट की जाती है, यानी यूज़र से वैल्यू मांगी जाती है। तो हमने इसको कमेंट लाइन में लिख दिया। तो हम एक नई चीज़ और यहाँ सीख रहे हैं, कमेंट लाइन लिखना। कमेंट लाइन क्या होती है, हमें प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को मेमोरी में याद रखने के लिए हमें एक सुविधा दी गई है कि आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं रहती है, जैसे ये प्रोग्राम काय का है, हमें टाइटल लिखना है, या ये पंक्ति इसको क्या बोलते हैं बार बार मैं भूल जाती हूँ तो यहाँ पे लिख लूँ, लेकिन उसको कंपाइलर नहीं पढ़े, क्योंकि आपको याद रखना है प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि एक भी गलती जो है, अगर हमने एक कॉमा फुल स्टॉप भी इधर से इधर लगा दिया तो फिर जो है आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये जो इस तरीके से भी कुछ नहीं ले सकते याद रखने के लिए पंक्तियाँ, तो इसके लिए एक तरीका दिया है कि आप उसको कुछ इस तरह से लिखें, ये जो हमने स्लैश लगाया और फिर एस्ट्रिक लगाया यानी स्टार लगाया, इसी प्रकार से अंत में भी हम जो है स्लैश और स्टार लगा देते हैं, तो उससे हमारा जो है प्रोग्राम ये कमेंट लाइन बन जाती है। हम जहाँ से जहाँ तक भी लिखना चाहें इस तरीके से लगा के बंद कर सकते हैं, या केवल एक ही पंक्ति हमें लगानी है तो एक ही पंक्ति में हम स्लैश स्टार शुरू करके और फिर उसी पंक्ति को जहाँ पे भी ख़त्म करना है वहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। C++ में इसकी जगह पर इस प्रकार से जो है डबल स्लैश जो है लगाए जाते हैं। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, ये वाला स्लैश हम इस तरीके से दो स्लैश आगे की तरफ लगा देते हैं, वहाँ हमें पीछे कुछ नहीं लगाना होता, लेकिन वहाँ हर पंक्ति के आगे हमें इस प्रकार से डबल स्लैश जो है लगाना ज़रूरी होता है C++ में, अगर हम अलग अलग जाके लिख रहे हैं, अलग अलग पंक्तियों में लिख रहे हैं तो। और सी में हम कुछ इस तरीके से लिख के और काम कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई कमेंट लाइन्स। और हमने कमेंट लाइन में क्या चीज़ लिखी है, वो चीज़ जो हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमने किस चीज़ का बनाया है, या इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें ली हैं। देखिए, मैं पंक्ति के बीच में जाके भी लिख सकती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्कैन एफ लिखा हुआ है, ये डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है, तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन के बाद पुनः इसी प्रकार से ये दो ये लगा दूंगी, और फिर मुझे जो भी लिखना है मैं लिख दूंगी डायनेमिक इनिशियलाइजेशन जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो गया है, हमने लिख दिया है और ये कोई एरर हमें नहीं देगा। इसी प्रकार से इस प्रोग्राम में हमें एक थोड़ा सा और परिवर्तन कर लेना चाहिए, वो ये है कि जब रिज़ल्ट हमें कंप्यूटर में वैल्यू डालनी होती है तो हमें पता नहीं लगता है कि हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है, खाली स्क्रीन आती है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पे एक एंटर करके स्कैन एफ के ऊपर की तरफ हम एक पंक्ति लिखते हैं जो कि हमारी प्रिंट एफ वाली होती है, आप अच्छे से जानते हैं प्रिंट और एफ, और हम छोटे ब्रैकेट के अंदर की तरफ हम लिख देते हैं डबल कोट में, आपको अब तो याद हो चुका होगा, एंटर या इनपुट वैल्यू भी लिख सकते हैं हम, एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, ये हमने लिख दिया है। और अब हम डबल कोट को जो है क्लोज कर देते हैं और हमारा ब्रैकेट बंद कर देते हैं और हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ये देखिए, अब इससे हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा जो है चेंज आ जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ये देखते हैं किस प्रकार से हम रन कराते हैं इसको। देखिए, हमने रन कराया, ये देखिए एंटर एनी नंबर फॉर टेबल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। और अब हम यहाँ पे जो है, या कहीं भी हम जहाँ पे हमारा ये कर्सर हमें हल्का सा दिखाई दे रहा है, वो अपने आप कर्सर वहीं होता है, तो आप जाके वहाँ पर और जो भी टेबल आपको जिस भी चीज़ की टेबल प्रिंट करनी है वो आप लिखेंगे, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो है प्रोग्राम
ये देखिए, और ये हमने किया और ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। ये देखिए, ये देखिए हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, प्रिंट हो गया है हमारा प्रोग्राम। फोर हमने इनपुट किया तो फोर की पूरी टेबल प्रिंट कर दी है इसने। आप जो भी डालेंगे, अब देखिए वो गलती जो हो रही थी वो भी सही हो चुकी है प्रोग्राम में। कहीं कोई माइनर सी मिस्टेक हो रही थी, नहीं सॉरी, वो जो मिस्टेक थी वो पहले का जो चार आउटपुट के रूप में था, पहले प्रोग्राम हमने जब रन कराया था एक बार, तो फोर जो पिछले टाइम का था वो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा था, इसलिए यहाँ पे वो हमें दिखाई दे रहा था। अब वो नहीं है हमारे सामने, तो ये हमारा रिजल्ट जो है राइट फॉर्मेट में हमारे सामने आ चुका है। तो यदि मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो। ओके, बाय, थैंक यू।